आज दिवाली है, तो आप सबको हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे तो ये मेला 20 नवंबर से शुरू होगा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की जर्नी 05248 छपरा सोनपुर मेमू एक्सप्रेस स्पेशल में होने वाली है। ट्रेन लग चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपने छपरा में। बाकी भाई अपने ट्रेन का एक और नाम है ITI एग्जाम स्पेशल। ये ट्रेन छपरा से सोनपुर के लिए पर डे ट्रेन है और जो इसका छपरा से डिपार्चर टाइम है 9:25 पे है और ये सोनपुर पहुंचेगा 11:20 पे। जर्नी के दौरान भाई जो हम कवर करेंगे 54 किलोमीटर करेंगे और सिर्फ 5 मिनट बचा है डिपार्चर पे। तो चलिए अब ट्रेन के अंदर चलते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने कोच में। ये पूरा अपने कोच का व्यू है भाई। 3-3 लोगों का इधर सीटिंग कैपेसिटी है, 2-2 लोग का इधर है। ऊपर लगेज के लिए रैक है, फैन है, लाइट है, चार्जिंग के लिए भी पॉट है। बाकी अगर मैं इस साइड दिखाऊं तो वॉशरूम भी है एक, बहुत गंदा है वॉशरूम वगैरह तो काफ़ी गंदा है भाई। बाकी भाई अभी तो पूरा कोच खाली है, हर बोगी में 4-5 लोग बैठे हुए हैं और जो इस ट्रेन की एवरेज स्पीड होगी मिनिमम 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी ट्रेन चलेगी। ठीक 9:25 पे अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका छपरा से। छपरा कचहरी ट्रेन पहुंच चुकी है भाई 2 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अपने पहले हॉल्ट पे, और यहाँ पे काफी पैसेंजर भी हैं इस ट्रेन के लिए। छपरा कचहरी में भी काफी स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं खाने के लिए, यहाँ पे भी आपको खाने वाने का दिक्कत नहीं होगा। अब इस ट्रेन के लिए पैसेंजर तो हैं भाई, काफ़ी हैं, यहाँ से वहाँ तक पूरे पैसेंजर लोग ही हैं। 2 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद ट्रेन पहुँच चुकी है अपने पहले हॉल्ट पे छपरा कचहरी। यहाँ पे इसका 2 मिनट का ही हॉल्ट है और 9:31 अराइवल टाइम था। ट्रेन एकदम ऑन टाइम आई है भाई। इसके बाद यहाँ पे जो अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है और सिग्नल हो चुका है। चलिए यहाँ पे मैं अगर प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है और हॉल्टिंग ट्रेन की बात करूँ तो 6 हॉल्टिंग ट्रेन्स हैं अपने छपरा कचहरी में। ऑरिजिनेट और टर्मिनेट यहाँ से 4 ट्रेन पर डे होती है और हो चुका है। चलिए ट्रेन भी का डिपार्चर भी हो चुका है। बाकी छपरा कचहरी का जो स्टेशन कोड है CI है और मैं इस ट्रेन का जो फेयर पे किया हूँ 35 रुपये किया हूँ मैंने। ये पूरा जनरल कोच है, अनरिजर्व कोच है, तो मैंने विंडो काउंटर से टिकट लिया था। अभी मैं टिकट आपको यहाँ पर शो कर दूँगा। Money!
11 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अपनी ट्रेन पहुंची है गोल्डीगंज। आज जो भी छपरा से सोनपुर के बीच में जितने भी स्टॉप्स आएंगे वो सारे छपरा जिला में ही होंगे। यहाँ पे सिर्फ एक मिनट का स्टॉपेज है गोल्डीगंज में। यहाँ पे अराइवल टाइम था गोल्डीगंज में 9:53 पे, लेकिन अपनी ट्रेन आई है 9:51 पे, और इसका जो स्टेशन कोड है GJH है। अपने गोल्डीगंज में अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है और हॉल्टिंग ट्रेन यहाँ पे 12 ट्रेन पर डे 12 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्टिंग है। अब डिपार्चर का वेट कर रहे हैं। अपने गोल्डीगंज में ट्रेन के अंदर तो पहले से भैया एक मूँगफली बेच ही रहे हैं, बाकी इधर प्लेटफॉर्म पे आप देख लीजिए पानी वानी भी मिल रहा है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें की व्यवस्था है। गोल्डीगंज के प्लेटफॉर्म पे पानी वानी भी मिल रहा था। किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अभी अपनी ट्रेन पहुंची है डुमरी जुवारा। यहाँ पे एक ही मिनट का इसका होल्डिंग टाइम था, ट्रेन डिपार्चर भी हो चुका है। यहाँ पे अपनी ट्रेन का जो टाइम था 9:59 में था, लेकिन ट्रेन आई है 10:00, एक मिनट की डिले से आई है और डिपार्चर हो चुका है अपने ट्रेन का। DRI इसका स्टेशन कोड है। यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है और होल्डिंग ट्रेन की बात करूँ तो यहाँ पे पर डे 10 ट्रेन का होल्डिंग है। गोपाल 20 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद भाई अपनी ट्रेन पहुंची अभी बड़ा गोपाल। यहाँ पे इसका एक मिनट का ही स्टॉपेज है और ये अपने निर्धारित समय सिर्फ एक मिनट की ही डिले से आई है और एक मिनट ही रुकेगी। चलिए ट्रेन के अंदर चलते हैं। एक मिनट तुरंत निकल जा रहा है, अचानक डिपार्चर का हॉर्न बज जा रहा है। अगर बड़ा गोपाल में प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो 2 प्लेटफॉर्म है और 10 यहाँ पे हॉल्टिंग ट्रेन है। पर डे यहाँ पे 10 ट्रेनों का हॉल्टिंग है। यहाँ पे तो प्लेटफॉर्म पे कोई दुकान वगैरह नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं लोकल लोग जो कुछ कुछ चीज़ें बेच रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। पंचपटिया देवरिया, यहाँ पे भी अपनी ट्रेन का एक मिनट का होल्ट है। बाईस किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अपनी ट्रेन पहुंची है पंचपटिया देवरिया। यहाँ पे इस हॉल्ट पे सिर्फ एक मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ पे जो इसका अराइवल टाइम था 10:10 था, लेकिन अपनी ट्रेन आई है 10:12 पे, 2 मिनट की डिले से। यहाँ पे भी एक ही मिनट रुकेगी अपनी ट्रेन। यहाँ से डिपार्चर हो चुका है। यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है और 6 ट्रेन का पर डे पंचपटिया देवरिया हॉल्ट पे होल्डिंग है। पैसेंजर लोग है भाई, 8-10 पैसेंजर लोग यहाँ पे भी है। 25 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अपनी ट्रेन पहुँची है अवतार नगर। यहाँ पे 10:15 का अराइवल टाइम था और ट्रेन अपनी ठीक 10:15 में ही आई है और यहाँ पे अपनी ट्रेन एक मिनट रुकेगी। यहाँ का स्टेशन कोड है ATNR। बाकी मैं प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो 2 प्लेटफॉर्म है और हॉल्टिंग ट्रेन यहाँ पर डे 8 ट्रेन का डे अवतार नगर में हॉल्टिंग है। एकदम शांत सा रेलवे स्टेशन है भाई अवतार नगर। बाकी ट्रेन के अंदर भैया बादाम बेच रहे हैं।
द्वारा। यहाँ पे भी पीने के लिए पानी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल रहा है दिगवारा में। 30 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद ट्रेन पहुंची है भाई दिगवारा। यहाँ पे अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ पे इसका अराइवल टाइम था 10:23 पे, लेकिन अपनी ट्रेन निर्धारित समय से 1 मिनट की डिले से आई है। यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो 2 प्लेटफॉर्म है और पर डे 42 ट्रेन का यहाँ पे अपने दिगवारा में हॉल्टिंग है। दिगवारा के बगल में ही आमी है, तो आमी घूमने के लिए आप जा सकते हैं। यहाँ पे अंबिका भवानी मंदिर है। यहाँ पे अपनी ट्रेन सिर्फ 2 मिनट ही रुकेगी। अपनी ट्रेन का भी डिपार्चर हो चुका है दिगवारा से। प्लेटफॉर्म पे तो दुकान नहीं है, लेकिन खाने पीने के लिए वही मैंने अभी आपको दिखाया, लोकल लोग पानी कोल्ड ड्रिंक और मूंगफली वगैरह बेच रहे हैं। यहाँ पे आपको यही मिलेगा दिगवारा में। बाकी भाई मेमू एक्सप्रेस अपना एकदम खाली खाली है, किसी किसी कोच में 4-5 लोग बैठे हुए हैं। बाकी पूरा ट्रेन लगभग 250 पैसेंजर होंगे ट्रेन में मैक्सिमम, बाकी ट्रेन खाली ही है। शीतलपुर पैंतीस किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अभी अपनी ट्रेन पहुंची है शीतलपुर। यहाँ पे भी इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है और अपनी ट्रेन निर्धारित समय से 2 मिनट की डिले से आई है शीतलपुर में। यहाँ पे इसका अराइवल टाइम था 10:31 पे, लेकिन अपनी ट्रेन आई है 10:33 पे और इसका जो स्टेशन कोड है STLR है। बाकी भाई अगर मैं शीतलपुर में प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है और पर डे 12 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्टिंग है। शीतलपुर में भी काफ़ी लोग डिवोर्ड किए हैं इस ट्रेन से। बाकी भैया नारियल बेच रहे हैं और ये ट्रेन के जितने भी सीट्स हैं लगभग सारे फट चुके हैं, तो थोड़ा इस पे रेलवे को ध्यान देना चाहिए, इसको मेंटेनेंस में लेना चाहिए थोड़ा इस ट्रेन को। अब काफ़ी पुराना कोच लग रहा है क्योंकि हर सीट सब फटे हुए हैं, ये भी इधर उधर सब फटे हुए हैं। 10:32 में शीतलपुर से डिपार्चर टाइम था, लेकिन अभी 10:40 हो गया है, ट्रेन यहीं पर 8-9 मिनट अभी डिले हो गई। अभी आगे देखते हैं और कितना डिले होती है। मिनट की डिले से ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है भाई शीतलपुर से। चालीस किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अभी अपनी ट्रेन पहुंची है नया गांव। यहां पे भी इसका स्टॉपेज 1 मिनट है और अपनी ट्रेन निर्धारित समय से 17 मिनट की डिले से आई है। यहां पे नया गांव में 2 प्लेटफॉर्म है और हॉल्टिंग ट्रेन की बात करूं तो यहां पर डे 8 ट्रेन का हॉल्टिंग है नया गांव में। बाकी यहां का स्टेशन कोड है NYO और यहां पे जो इसका अराइवल टाइम था 10:39 और अपनी ट्रेन आई है 10:55 पे। नया गांव में भी काफ़ी लोग डिबोर्ड किए हैं, 20-25 लोग तो पीछे डिबोर्ड किए हैं अभी।
आनंदपुर। सैंतालीस किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अभी अपनी ट्रेन पहुंची है परमानंदपुर। यहाँ पे इसका अराइवल टाइम था 10:47 पे, लेकिन अभी अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। शायद ये ट्रेन अभी यहाँ पे शायद एक मिनट भी ना रुका हो। 10:47 पे परमानंदपुर में इसका अराइवल टाइम था, लेकिन अपनी ट्रेन आई है 11:07 पे। परमानंदपुर में दो प्लेटफॉर्म है, और हॉल्टिंग ट्रेन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर डे 8 ट्रेन का हॉल्टिंग है। लगभग एक मिनट भी शायद रुका होगा या नहीं। यहाँ पे ट्रैक पे काम वाम भी चल रहा है भाई। बाकी भाई सामने आनंद विहार का विहार, यहाँ पे अपने निर्धारित समय से काफी पहले आ चुकी है भाई अपने डेस्टिनेशन। भाई ट्रेन पहुंच चुका है अपने डेस्टिनेशन सोनपुर। यहाँ पे इसका टाइमिंग था 11:20 पे, लेकिन अपनी ट्रेन आई है 11:16:17 पे, मतलब निर्धारित समय से 3-4 मिनट पहले। बाकी भाई अपनी ट्रेन सोनपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई है, और यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं, इधर भी लगे हुए हैं, पीछे भी लगे हुए थे। बाकी मैं आज आपको बता दूँ, आज दिवाली है, तो आप सबको हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बाकी भाई सोनपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोनपुर मेला का आयोजित किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे, तो ये मेला 20 नवंबर से शुरू होगा। तो आपके पास अगर टाइम हो तो आप जरूर आइएगा सोनपुर मेला। ये मेला एशिया में भी काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रसिद्ध मेला है, ये काफ़ी बड़ा मेला लगता है यहाँ पे, और ये मेला लगभग 1 महीने तक चलता है। इस मेले में वो आपको हर चीज़ मिल जाएगा जो बिकने वाला होगा, हर चीज़ आपको मिलेगा। बाकी आप बताइए आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं फिर किसी अगले ब्लॉग में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।